लड़के और लड़की के जिंदगी से अल्लाह खुशियों को छीन लेंगे और फिर माहौल में समाज में बदकारी जिनाकारी आम होते चले जाए। निकाह को आसान करो, लेकिन मेरा आपका कंसेप्ट क्या है? कई बेदोलियों के दवाओं के आखिरी दम पर जिंदगी गुजार रहे हैं अपने पैसों के जरिए से, उसकी मदद कर। तेरे महल्ले में कोई बेवा है, उसकी मदद कर। किसी परेशान हाल है, उसके परेशानी को तेरे माल के जरिए से तू दूर कर। अगर तेरे महल्ले में तेरे बस्ती में कोई ऐसा बच्चा है जो पैसे की बुनियाद पर पैसे ना होने की वजह से एजुकेशन नहीं हासिल कर रहा है, तू अपने बच्ची और अपने बेटे के निकाह में कम खर्च कर। 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है, 5 लाख कर, 5 कर सकता है, 2 लाख कर, 1 लाख कर, बाकी की रकम गरीबों पे लगा। फिर देख ये पैसे तूने बचा के जो गरीबों पे लगाए हैं, तेरे बच्चों के जिंदगी में कैसी खुशियां आती है। मेरे भाइयों, जहां पर खर्च करना है वहां पर हमने खर्च ना किया, जहां पर नहीं करना है वहां पर हम खर्च कर रहे हैं। बहरहाल हुजूर ने फरमाया कम खर्च करो, शादियों में कम खर्च करो, कम शादियों में खर्च करो। अगर तुमने अपने खर्च को कंट्रोल में कर लिया, अल्लाह पाक निकाह की बरकतों को जाहिर फरमाएंगे। ये इज्तिमाई शादियां जो मुनाकिद हो रही हैं, अल्लाह पाक इनके जिम्मेदारों को जजाए खैर दे, इन काम करने वालों की कदर करें। ये लाखों रुपये इंफरादी तौर पर खर्च होते, यहाँ पर हजारों की तादाद में, हजारों की रुपये की तादाद में खर्च हो गए, लाखों तक बात नहीं पहुंची। अल्लाह पाक इनके जिम्मेदारों को जजाए खैर दे, इनकी कदर करें। इस मौके पर, इस वक्त में, इस जमाने में हम मुस्लिम समाज के दरमियान में शादी का उन्वान जितना बिगड़ा हुआ है, ये ना समझे कि अल्लाह ने मुझे माल दे दिया, पैसा दे दिया, तुम्हें अपनी मर्जी से खर्च कर उठाना। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर ने कहा कि जब तक रोजे महशर हमने हाजिरी देनी है वो एक एक चीज के बारे में सवाल करेगा, थुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो कुछ खुदा ने तुम्हें दिया है उसके बारे में खुदा सवाल करेंगे। हुजूर ने कहा 5 चीजों के बारे में सवाल होगा। पहले, मैंने तुझे जिंदगी दी थी कहां लगाई, मैंने तुझे जवानी दी थी कहां खर्च की, ए मालदारो माल कहां से कमाया था, ए मालदारो माल कहां खर्च किया था, माल कहां खर्च किया था, जो कुछ तुझे नॉलेज है, जो कुछ तुझे मालूम है उसके ऊपर तुझे क्या अमल किया। हर इंसान से ईश्वर खुदा ये 5 क्वेश्चंस करेगा, सवाल करेगा। ये जब तक सवाल के जवाब मैं नहीं दूंगा, एक कदम ना आगे बढ़ेगा ना पीछे। तो खुशियां जरूर मनाए लेकिन हद में रहकर, बाउंड्री पार ना करें, हुदूद तजावुज ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशियां मनाने का तरीका सिखलाया, शादी ब्याह करने का तरीका बतलाया। हुजूर की बेटी फातिमा की शादी हो रही है, अरे तेरी बेटी से अजीज वो बेटी है, तेरी बेटी से ऊंची वो बेटी है, जन्नत की सरदार है, जन्नत की औरतों की सरदार है। मेरे भाइयों, सहाबा का मकाम कितना बड़ा, तुम कहते हो मालदार अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऐसा मालदार शायद इस दुनिया में हो या ना हो। अब्दुर्रहमान को अल्लाह ने इतनी दौलत अता की, जब ऐसे मेरे भाइयों निकाह के अंदर ज्यादा खर्च करने से कई गरीब बच्चियां उनके पेशानी में सफेदी झलक रही है, एक गरीब बाप और एक गरीब बेटी रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ये मालदारों की वजह से जिनको खुदा ने अपने फजल से अपनी ताकत से कुछ दौलत दे दिया, ये गुरूर कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, मुझे माल दिया मैं माल अपने मर्जी से खर्च करूंगा। अरे गरीबों के हाथ पर रहम खाओ, जिनको अल्लाह ने गरीबी दी है उस बच्ची का क्या कसूर है, उस बच्ची की क्या गलती है। तुम्हारी शादियां देखकर वो बच्ची आंसू बहाती है। मेरे पिता को, मेरे बाप को अगर ऊपर वाला माल देता तो मेरा बाप भी ऐसे धूमधड़ा कैसे शादी करता, लेकिन मेरा बाप गरीब है, वो रोते रहती है, उसकी आहें, उसकी आंखों के बहवे आंसू। मेरे भाइयों, हमारी शादियों को देखकर अगर बह चुके हैं तो उससे खुशियां नहीं आएगी, बर्बादियां आएगी, मुसीबतें आएगी, सोचने की जरूरत है। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, हालात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं।
मोहतरम हजरात, जब से आप हजरात हजरत मौलाना डॉक्टर मुफ्ती आजम साहब आसमी दामत बरकातहुमुल आलिया का खिताब से महजूर हो रहे थे, अब मैं आप हजरात को ये बात बताता चलूं कि मुफ्ती साहब जिन पहलुओं पे बात कर रहे थे वो निहायत ही काबिले गौर और काबिले अमल है। यकीनन कोई ये कहे कि मुसलमान गुर्बत की जिंदगी जी रहा है, तो मुसलमानों की गुर्बत देखना है तो जाए शादी ब्याह के मौके पर, देखे मुसलमानों की गुर्बत, कोई गरीब नजर नहीं आएगा, कोई गरीब नजर नहीं आएगा, हर एक लगेगा कितना अमीर ज्यादा है, कितना रईस है कि अपनी बेटी की शादी में, अपने बेटे के शादी में लाखों। सरबराह कौम मिल्लत उम्मत मुस्लिमा के मुखलिस रहनुमा और मिल्ली व कौमी कायदीन, हम बारगाह इस दिन में सरबत सजूद है। हम सबसे पहले अपने खालिक व मालिक अल्लाह सुबहानहू व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम कमज़ोरों ने जो कोई भी कौम मिल्लत के लिए खिदमात अंजाम दी है वो सिर्फ और सिर्फ उस पाक ज़ात की तौफीक से हुआ है, वरना हम कमज़ोर इंसानों के बस का कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अला हाज़ा। हाजरीन, शहर किनवट का ये तारीख साज इजलास आम इज्तमाई शादियाँ जिन रानाइयों के साथ मंजिल मकसूद की सरहद अबूर करने की राह पर गामजन था, आप हजरात की हौसला अफजाई और संजीदगी से इस कारवां का टिमटिमाता हुआ चिराग बावजूद तेज व तुम झोंकों के रोशन हो गया। यकीनन आपने इज्तमाई शादियों को कामयाब करने के लिए हमारी एक ही सदा पर गोशे गोशे से सिमट कर इस वसी व अलीज गार्डन में परवाने वार सब बसफ कुर्सी नशीन हो गए और इब्तिदा से इंतहा तक एक पुरवकार माहौल बनाए रखा, इस पर हम जितनी भी मसरत व खुशी का इजहार करें कम है। आपकी आमद और सुकून पर हम अपने कुलूब की इन गहराइयों से हदीये इम्तिनान को तशक्कुर करते हैं, जहां आप हजरात के लिए इज्जत व अजमत, एहतराम व इकराम और नियाजमंदी के लिए बेशुमार जज्बात मुजज्जन है, जिन्हें एहाते इजहार में लाने से वक्त की नजाकत गिला कर रही है। हम दुआगो है कि बारी ताला आप हजरात को इसका अजर जजील अता करे। ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإن يباهي بكل من وقال الدنيا كلها متاع قریشی شیخ امام صاحب مہر ہے 5000 اکاؤنٹ پہ وکیل کی وکالت سے اور ان دونوں صاحب کی گواہی سے مسمات رخسار بیگم بنت شیخ سلیم صاحب نے اپنے آپ کو آپ کی نکاح میں دیے کہ جناب نیاز قریشی صاحب آپ نے رخسار بیگم کو اپنے نکاح میں قبول کیا الحمدللہ قبول ہے نمبر 26 شیخ فردوس شیخ محبوب دلہن مہک بیگم شیخ رفیق وکیل عبد السلیم عبد الرؤوف گواہ اول شیخ رفیق شیخ خلیل گواہ دوم شیخ اپروز شیخ محبوب مہر ہے 4000 روپے ادھار وکیل کی وکالت سے
और इन दोनों साहिब की वजह से मुसम्मात महक बेगम बिन शेख रफीक साहब ने अपने आप को आपकी निगामी दिए। क्या जनाब शेख फिरदौस साहब, आपने महक बेगम को अपनी निगाह में कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल। नंबर 27 शेख समीर शेख बादल, दुल्हन का नाम है नगमा बेगम रफीक खान, वकील शेख इस्माइल शेख उमर अली, गवाह शफीक खान महबूब खान, गवाह शेख अफरोज शेख बादल, महरे 4,000 रुपये नगद। वकील की वकालत से और इन दोनों साइड की गवाही से मुसम्मात नगमा बेगम बिंत शेख रफीक खान साहब ने अपने आप को आपकी निगाह में, जनाब शेख समीर साहब आपने नगमा बेगम को अपनी निगाह में कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। नंबर 28 मोहम्मद अतीफ मोहम्मद हफीज, दुल्हन है इकबाल, वकील है शेख अली शेख वाहिद अली साहब, गवाह अव्वल शेख अहमद शेख महमूद, गवाह दूसरा मोहम्मद हकीम मोहम्मद रहमान, महर है 5,051 रुपये। वकील की वकालत से और इन दोनों साहब की गवाही से मुसम्मात आफरीन बेगम बिंत शेख इकबाल साहब ने अपने आप को आपकी निगाह में दिए। क्या जनाब मोहम्मद अतीफ साहब, आपने आफरीन बेगम को अपनी निगाह में कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह कबूल किया। नंबर 29 अब्बास खान अफसर खान, दुल्हन है वकील शेख इब्राहिम शेख फखरुद्दीन, गवाह अव्वल शेख सलीम शेख जहूर, गवाह दूसरा शेख मूसा शेख हैदर, महर है नगद 5,000 रुपये। वकील की वकालत से और इन दोनों साहिब की गवाही से मुसम्मात सादिया बेगम बिंत शेख नूर साहब ने अपने आप को आपकी निगाह में दिए। क्या जनाब शेख अरबाज साहब, आपने सादिया बेगम को अपने निगाह में कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका कबूल किया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ये थे 33 नौशाओं का इजाबा उरूल और खुतबे निकाह समाअत फरमा रहे थे। अब चूंकि इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और आप लोगों के इंतजार की आखिरी घड़ी, जिससे मेरे मुराद है सदर मोहतरम का मुख्तसर सा फुरमग़्ज़ खिताब, मैं सदर मोहतरम को इस शेर के साथ दावत देता हूं कि तवील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है, तवील है मसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो भी रहीम है। मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मुझे रास्तों से मत डराओ ऐ दुनिया वालों, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब करीम है। मैं सदर मोहतरम से दरख्वास्त करूँगा वो अपना फुरमग़्ज़ खिताब के बाद दुआ से इस मजलिस का इख्तिताम फरमाएं। इस्लाम में निकाह महज एक जरूरत नहीं बल्कि इबादत भी है और दीगर मजाहिब के अलावा सिर्फ ये इस्लाम की खसूसियत है कि इस्लाम ने इसे इबादत का दर्जा दिया है। शादी के शीन पर तीन नुक्ते हैं, अगर इन तीन नुक्तों को हटा दिया जाए तो बनता है शादी, यानी शादी शादी होना चाहिए। और शादी के वो तीन कौन से नुक्ते हैं? पहला नुक्ता तो ये है कि निकाह करो, दूसरा ये कि आसान करो, और तीसरा ये कि सस्ता करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो, तकलीफें कम हो, जो आसानी के साथ में हो। इसीलिए तो फरमाया कि निकाह को आसान करो और जिना को मुश्किल करो। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या माशर शबाब मन इस
इस्तता मिनकुम अल बाअत फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, जब तुम में कोई शख्स इस लायक हो जाए कि वो निकाह कर सकता है, निकाह पर कुदरत रखता है, तो उसको चाहिए कि फलयतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। हमारे समाज में निकाह के लायक आदमी उस वक्त समझा जाता है कि जब उसके पास लाखों रुपये हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छा घर हो, नौकरी हो। हालांकि इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि आदमी जब सर्विस पर लग जाए या घर और मकान बड़ा हो जाए और लाखों रुपये उसके पास में आ जाए। जो शख्स निकाह पर कुदरत रखे, यानी बीवी का खर्च बर्दाश्त करने की उसमें ताकत हो, यकीनन मौला हम बड़े गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं। मौला आपकी ज़ात बड़ी गफूर रहीम है। ऐ अल्लाह, आप तो अपने बंदों को माफ़ करने वाले हैं। कुरान पाक में खुद आपने कहा है, या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि ऐ मेरे बंदो तुम मायूस न हो, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, क्योंकि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। ऐ अल्लाह, हम आपसे अपने इस सारी गुनाहगार ज़िंदगी से तौबा और मग़फ़िरत चाहते हैं। हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, मौला रहम का मामला फरमाइए, करम का मामला फरमाइए। बड़ा मुबारक दिन है, जुमा का दिन है, हमने आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस हम तक पहुँची है। आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन जुमा के दिन कोई एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआएँ कबूल होती है। मौला, जुमा का मुबारक दिन भी है और ये निकाह की मजलिस भी है। ऐ अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हम सब की मगफरत फरमा, हाजरीन में तमाम की मगफरत फरमा, तमाम को गुनाह, तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, इन होने वाले निकाहों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, इस निकाह की मजलिस को निकाह के आसान होने का जरिया फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत के अंदर निकाह के एतबार से जितनी खराबियाँ हैं, जितनी बिदात और रसूमात हैं, उन तमाम का खात्मा फरमा। ऐ अल्लाह, निकाह को आसान करने वाला बना, जिना को मुश्किल करने वाला बना। ऐ अल्लाह, इन होने वाले निकाहों को कबूल फरमा, इनमें खूब बरकतें अता फरमा, इनकी ज़िंदगियों में आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, नेक औलाद के पैदा होने का ज़रिया फरमा। ऐ अल्लाह, इनके ख़ानदानों में आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, कारवां के ज़िम्मेदारों की ऐ अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमा, यकीनन ये बहुत बड़ा काम है। ऐ अल्लाह, हम में से हर कोई जानता है कि एक शादी करने के लिए कितना वक्त और कितना खर्च और कितनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। इन कारवां वालों ने इतनी बड़ी शादियां, तकरीबन 33 शादियां करवाई है। ऐ अल्लाह, और वो भी आसानी के साथ में करवाई है। इसका मकसद ये है कि उम्मत में निकाह आम हो जाए, निकाह आसान हो जाए, निकाह कराना आसान हो जाए। ऐ अल्लाह, तमाम इन कारवां वालों को कबूल फरमा, तमाम शहर के नौबत वालों को और इनकी खिदमात को कबूल फरमा, और जिन लोगों ने जिस एतबार से इसमें हिस्सा लिया है, ऐ अल्लाह उन तमाम के हिस्सा लेने को कबूल फरमा। जिन लोगों ने माली एतबार से मदद की है, अल्लाह उनके माल देने को कबूल फरमा, उनके माल में कारोबार में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह, बरकतों का नुज़ूल फरमा। ऐ अल्लाह, जैसे चिकन वाले, फर्नीचर वाले या हॉल वाले और जितने लोग हैं इसमें, जिस भी एतबार से जिन्होंने हिस्सा लिया है और अल्लाह तआवुन किया है, मदद की है और पैसे दिए हैं, अल्लाह उन तमाम के देने को कबूल फरमा, उन तमाम की ज़िंदगियों में चैन सुकून नसीब फरमा, उन तमाम की ज़िंदगियों में आफियत नसीब फरमा। अल्लाह उन तमाम लोगों की अल्लाह कारोबार में बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह, इन होने वाले निकाहों को कबूल फरमा, इनमें आपस में उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माशरे से, हमारे माशरे में निकाह को आसान करने वाला बना। ऐ अल्लाह, तलाक जैसी लानत से, तलाक जैसी बलाओं से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, खानदान
خاندانوں کا سکون اللہ غارت ہو چکا ہے اے اللہ، معمولی معمولی باتوں پر اے اللہ، آج کل معاشرے کے اندر طلاق رائج ہو رہی ہے، ان تمام ہونے والے نکاحوں کو اے اللہ تعدیر قائم و دائم فرما، ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھ کر زندگی گزارنے والا بنا، ان میں ایسی محبت پیدا فرما جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ اور ازواج مطہرات میں تھی، ایسی محبت ان کے درمیان پیدا فرما اے اللہ، ان سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما اللہ، حاضرین میں جن کو اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما اے اللہ، جو بن بیا ہیں ان کے مناسب جوڑے نصیب فرما، جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ہم میں جو بیمار ہے ان کو شفا نصیب فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ، تمام مسلمانوں کی جان مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، ساری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما، اسلام پر زندہ رب، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اے اللہ، اے اللہ آپ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ آپ ہی کا احسان ہے کہ آپ نے ہدایت دی ہے، اس محفل کا انعقاد ہوا ہے، اے اللہ آپ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ آپ نے ہمیں ایک سنت کو زندہ کرنے کا زندہ کرنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ اس مجلس کو اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کی شرکت کو قبول فرما اے اللہ، ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما اے اللہ، ہم سب کو اچھی زندگی عطا فرما، ہماری تمام جائز تمناؤں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے سنتوں کا ذوق اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم سمجھتے ہیں آج 33 شادیاں ہوئی ہیں اور یہ 12 بار شادیوں کا انتظام ہوا ہے اور یہ سیوا بھاوی سنستھا کے طرف سے شادیوں کا انتظام ہر سال ہوتا ہے جس سے غیر غریب لوگوں کو خرچہ نہ آوے اور سماج میں بھی بولنا ہے کہ زیادہ خرچ کر کے شادی کرے تو وہ اچھا نہیں رہتا، کم خرچے میں شادی ہونے کو نہ، اس لیے کم خرچے میں شادی یہ بہو دیشی سنستھا کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے میری اور سے ہماری تمام جنتا کی اور سے ایسے اچھے کام کے لیے شبھیچھا دیتا ہوں، جے ہند۔ الماس الماس الماس